खूबसूरत इलाकों में एक खूबसूरत इलाका मरी है जो कि सयाहों की एक मशहूर क़ियामगाह है। मरी जो कि इस्लामाबाद से 62 किलोमीटर के फासले पर वाकया है, जो कि अपनी गाड़ी पर 1.5 घंटा में आसानी तय हो जाता है। मरी पाकिस्तान का वो वाहद सियाही मकाम है जहाँ लोग सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों में लुत्फ अंदोज होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह रावलपिंडी इस्लामाबाद के करीब और हर तरह की सहूलत का मैसर होना है। पाकिस्तान के शमाली इलाका जात जो कि सर्दी के दिनों में बर्फबारी की लपेट में होते हैं, मरी ताबी सयाहों को अपनी कुदरती हुसन में जकड़े रखता है। मरी में एक महतात अंदाजे के मुताबिक 30 से 35 हज़ार सयाह हर माह सैर को आते हैं। हम इस वक्त GPO चौक मरी में मौजूद हैं जहां सैकड़ों की तादाद में लोग शहरी ज़िंदगी से तंग होकर खुद को यहां तरोताज़ा और पुरफ़ज़ा मौसम के सपुर्द कर देते हैं। सख्त सर्दी में ठंडी हवा इंसान का सीना चीरती हुई गुजरती है, लेकिन सख्त सर्दी में एंजॉय करने वाले लोग इसको एडवेंचर कहते हैं। मरी में सस्ते और महंगे हर किस्म के होटल वसी पैमाने पर मौजूद हैं। रात हमने GPO चौक के करीब एक होटल में गुजारी, उसके बाद हमने सुबह सवेरे फिर GPO चौक का रुख किया ताकि सुबह सवेरे पहाड़ों के दामन में गिरे हुए बाजार का नज़ारा ले सके। मरी ना सिर्फ मकामी बल्कि बैन अक्वामी सतह पर भी सयाहों का एक खास मरकज है। मार रोड पर खाने पीने की अशिया के अलावा घरेलू और सजावटी अशिया भी आसानी दस्तयाब हैं जो आप अपने प्यारों के लिए तहाइफ की सूरत में लेकर जाते हैं। मरी से चंद मीटर की मसाफत पर पिंडी पॉइंट वाकया है जो आप पैदल भी कर सकते हैं। इसके अलावा घोड़े और गाड़ियां भी आसानी से दस्तयाब होती हैं। सुबह सवेरे रश ना होने के बराबर है, इसलिए हम जल्दी से चेयर लिफ्ट पहुंचते हैं। मरी वो वाहद सियाही मकाम है जहाँ शायद कोई घंटा ऐसा गुजरा हो जहाँ मौसम ना बदला हो। कहीं तो बादलों ने डेरे डाले हुए हैं तो कहीं धुंध ने राज किया होता है। चेयर लिफ्ट के इर्द गिर्द दियार और चीड़ के घने जंगलात मौजूद हैं। अगर कभी मरी आए तो इस चेयर लिफ्ट पर जरूर बैठें, क्योंकि ये चेयर लिफ्ट 400 रुपए में आपको जिंदगी की झंझटों से उठाकर पुरसकून और सरसब्जो शादाब वादियों में ले जाती है जहां घंटों ये वादी आपको अपनी खूबसूरती में समोए रखती है। ये चेयर लिफ्ट सत्ता समुंदर से 7500 फुट बुलंदी पर नस्ब की गई है। Oh,
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।